वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम आईएससी के 12th क्लास में प्रिज्म से रिलेटेड पहली स्टोरी जो यूपी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2024 में आनी है वो है अतिथि, जिसे कि हम गेस्ट के नाम पर जानते हैं। ये एक टाइटल है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी का, तो आज इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, हम चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको रैप्सोडी और प्रिज्म से रिलेटेड सभी स्टोरी की बाईलाइन और कंटेंट को शॉर्ट में और क्रिप्स में समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अतिथि जो है, जो स्टोरी है, वो हमारी मोतीलाल बाबू के परिवार से रिलेटेड है। ये एक लैंडलॉर्ड है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको, इनकी जो पत्नी है वो अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा के साथ साथ इनकी एक डॉटर है जिसे हम यहाँ पर चारू शशि के नाम से जानेंगे। और इसके बाद एक बाहर के परिवार से यहाँ पर तारापद नाम से एक व्यक्ति एंट्री करता है इनके परिवार में, इसको हम तारापद पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको बता दूं, इसे कुछ प्रोनंसिएशन में तारापदा भी को लोग बोलेंगे, इसे तारापोडा भी बोल सकते हैं, बट मेन चीज़ क्या है कि इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे इस कॉन्सेप्ट में आप देखें तो जैसे कि हिंदी में हमारा रमा जो है वो रामा के नाम से लिखा जाता है, हमारा भरत जो है वो भारत के नाम से लिखा जाता है, तो जब हम उसका प्रोनंसिएशन करेंगे तो इसको हम भारत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रामा नहीं हिंदी में पढ़ेंगे जबकि रमा पढ़ेंगे। लाइकवाइज तारापद इस एक हिंदी का वर्ड है और इसे हम तारापद बोलेंगे। तो ये तारापद जो है ये एक होमलेस वांडरर है, होमलेस वांडरर मतलब अपने घर को छोड़ देने वाला व्यक्ति है। तो ये मोतीलाल बाबूजी के परिवार में आता है, अन्नपूर्णा इसके लिए मदरली लव डेवलप कर लेती हैं, चारू शशि इसे जेलस हो जाती है क्योंकि वो अन्नपूर्णा और मोतीलाल जी का अटेंशन इस चारू शशि से ज़्यादा ग्रैब कर लेता है। ऐसे में मोतीलाल बाबू को इसमें अपने लिए सन इन लॉ दिख जाता है, उनको लगता है कि हम इस बच्चे की शादी अपनी बेटी से कर सकते हैं। लेकिन जो तारापद एक फ्री स्पिरिट का व्यक्ति था, तारापद एक फ्री स्पिरिट रखने वाला व्यक्ति था, इस कारण वो अपने मैरिज बैंड को कंप्लीट होने से पहले ही इस फैमिली को भी छोड़ देता है और एक डेजर्टर के रूप में फिर से अपनी लाइफ को बिताने का प्रयास करता है। तो इन बिगनिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी इन चार कैरेक्टर्स के बीच में है, तो इस स्टोरी के बारे में अब हम थोड़ा लाइन बाय लाइन डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो तारापद की जो ये स्टोरी है, इससे पहले हमें थोड़ा राइटर के बारे में देख लेना होगा। तो राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि रिनाउंड इंडियन पोएट हैं, राइटर भी रहे, फिलोसोफर भी थे। इनका जन्म मई 1861 में हुआ था कोलकाता में। और इस बात के लिए आप ध्यान दीजिए कि ये जो शांति निकेतन एक वर्ड है, शांति निकेतन जिसे हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ही वॉज फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवार्डेड बाई नोबल प्राइज इन 1913। और ये इनको इनकी कलेक्शन गीतांजलि के लिए मिला था, जिसे हम सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारी मोर देन 100 पोएम्स का कलेक्शन था जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएटिक वर्सटैलिटी और उनके टैलेंट को दिखाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की राइटिंग जो थी वो डीपली रूटेड थी और ये इनके बंगाली कल्चर को शो करती थी। इसके कारण ये इंस्पिरेशन लेते थे क्योंकि रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में थे, ये एक जमींदार फैमिली में जन्म लिए थे, इस कारण इनको पूरी तरीके से इंडियन हेरिटेज के बारे में जानकारी थी। His works reflected deep sensitivity to the human emotion. मानव जिंदगी यानी मानव जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं और मानव जीवन वास्तव में किन कठिनाइयों से भरा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम्स और टाइज के बारे में बहुत अच्छे से ये जानते थे, यानी संबंधों में किस तरीके की पेंच है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके कारण उन्होंने जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा और ये ह्यूमन नेचर को पूरी तरीके से समझते थे और दार्शनिक बिहेवियर के तौर पर उसमें लिखते थे कि किस तरीके से लाइफ को जिया जाना चाहिए।
टैगोर्स राइटिंग स्टाइल पूरी तरीके से लिरिकल है और इवोकेटिव है। इवोकेटिव का मतलब है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में ज़िंदगी क्या है, सोचने को बाध्य कर दे। ऐसी स्टोरी का इन्होंने अक्सर काम किया है और इसमें पोएटिक इमेजरी है, आपको पिक्चोरियल क्वालिटी मिलेगी, आपको लगेगा कि आप रियल में उस सीन को देख रहे हैं, और विविड स्टोरी टेलिंग है जिसमें रिच ह्यूमन इमोशंस पाए जाते हैं। आप इस पूरी स्टोरी में इस चीज़ को खुद फील करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी का क्या है। तो ये जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अतिथि द गेस्ट के बारे में है। वैसे अतिथि और गेस्ट दोनों चीज़ें इस टाइटल को टैगोर जी ने दी हैं, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं उस पर क्वेश्चन कर सकूं। मैं 100% एग्री करूंगा कि टाइटल एप्ट है, लेकिन एक यहाँ पर अतिथि और गेस्ट ये जो होता है ये रिलेटिव होता है, और तारापद मोतीलाल बाबू के लिए कहीं पर भी रिलेटिव नहीं था, वो एक स्ट्रेंजर था। इस बात को आपको ध्यान देना है। एक वोगाबॉन्ड था वो, जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने घर को छोड़कर चला था, और उस व्यक्ति के लिए मोतीलाल बाबू एक घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी थोड़ा सा ह्यूमन टाइज और मानवीय संबंधों को दिखाती है। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करी है, यानी सीधी सी बात है कि हम इंसान से एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं जबकि वो इंसान कुछ और सोच रहा होता है। स्टोरी इज निटेड अराउंड मोतीलाल बाबू अ जमींदार। ये स्टोरी मोतीलाल बाबू के परिवार से रिलेटेड है, जो कि एक जमींदार हैं और लैंड ओनर हैं। इसमें क्या है कि तारापद नाम का एक बच्चा है, लैंड ओनर है, और तारापद एक बच्चा है जो रनवे ब्राह्मण है। ये अपने परिवार को छोड़ चुका है, ये इसीलिए छोड़ चुका है क्योंकि ये शायद फ्री जिंदगी जीना चाहता है और मैरिज के बंधन को ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए शायद लास्ट में ये स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। ये डिजर्टर है फैमिली से और लाइबिलिटी से भागने वाला बच्चा है, फ्री रहने वाला है। बॉय हु बिकम्स अ गेस्ट इन मोतीलाल बोट, ये एक लड़का है जो मोतीलाल की नाव में कुछ समय के लिए होस्टेस पाने की कोशिश करता है और लेटर ऑन परिवार में काफ़ी घुल मिल जाता है। थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स टैगोर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मोतीलाल जी का बच्चे के प्रति, लव अन्नपूर्णा का बच्चे के प्रति, लॉन्गिंग्स दोनों की उस बच्चे के प्रति, एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, इंसान की जिंदगी में जो बदलाव आता है, इंसान की जिंदगी में जो चेंजेस आते हैं, उसको लेकर के ये स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ पर स्टोरी लाइन में देखें अगर, तो स्टोरी लाइन इसेंस है इस स्टोरी की, टैगोर राइटिंग पोर्ट्रेइंग द इंट्रिक्रेसीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइज हैं, जो गांठें हैं जिनको हम खोल नहीं पाते, इंटरप्ले है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जो कि एंड्स करता है विद अ क्वेश्चन फर्दर हैपनिंग का। और ये जो बाद में टाइटल पे एक क्वेश्चन आ जा रहा है कि अब क्या होगा, ये हमारी मॉडर्न स्टोरी राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है और ये टिपिकल मॉडर्न स्टोरी राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये अतिथि, जिसे हम गेस्ट भी कहते हैं, ये एक मॉडर्न स्टोरी है। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स को बाईलाइन में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जान सकें। तो मोतीलाल बाबू हेड ऑफ द फैमिली हैं और ये रिच जमींदार हैं, इन्हीं के बारे में पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, चूंकि ये फैमिली इन्हीं, ये मेन कैरेक्टर हैं। मोतीलाल बाबू इज अ जमींदार, जो कि लैंड ओनर हैं, और ये कथालिया के जमींदार हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ही इज पोर्ट्रेट एज अ हॉस्पिटेबल एंड कॉम्पेशनेट इंडिविजुअल, वो एक दयालु और विनम्र स्वभाव के हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी क्वालिटीज के बारे में देखें। मोतीलाल बाबू शोस काइंडनेस एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स तारापद, अ यंग ब्राह्मण, इनवाइटिंग हिम टू ज्वाइन हिज फैमिली फॉर मील्स एंड ऑफरिंग हिम प्लेस टू स्टे। कोई नहीं होता जो दूसरे व्यक्ति को अपनी फैमिली के साथ जुड़ने का मौका दे, मोतीलाल जी ऐसे थे जो उस बच्चे को, जो तारापद है, उसको अपनी फैमिली में एंट्री करने का मौका देते हैं। ही इज ओपन माइंडेड, वो ओपन माइंडेड पर्सन है, इम्ब्रेसेस तारापद विदाउट हेजिटेशन, वो बिना किसी हिचकिचाहट के तारापद को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और अपने परिवार में बिल्कुल एक परिवार के जैसा ही रखते हैं। और ये बात उस उनकी मानव को विशालता देने की है, उनके दिल में जो मानव परिवार, मानव के लिए विशालता है, वो शो होती है। मोतीलाल बाबूज कैरेक्टर सिंबलाइजेस वार्म्थ, एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस। एम्पैथी का मतलब सम्पैथी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। एम्पैथी का मतलब होता है अपने जैसा फील करना। अगर बच्चे को उन्होंने अपने जैसा महसूस ना किया होता तो उसे वो अपनी फैमिली में जगह ना देते। तो इस तरीके से मोतीलाल बाबू के माइंड में एम्पैथी है।
अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के तौर पर अगर आप स्टडी करेंगे तो तारापद है, चूंकि मेन कैरेक्टर है, रन अवे ब्राह्मण है, अपनी फैमिली को छोड़कर भागा हुआ लड़का है, डेजर्टर है चूंकि ये लाइबिलिटीज से भाग रहा है। ये बात आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करनी है कि ये लाइबिलिटीज एक्सेप्ट नहीं करता, और इसलिए तारापद के कैरेक्टर में रनवे ब्राह्मण है, तो इसे हम होमलेस वांडरर कह लेंगे या इसे हम वोगा वॉन्ड भी कह सकते हैं, खाना बदोश जिसे बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोतीलाल बाबू को ये मिलता है रिवर साइड मार्केट में। ही इज प्रेजेंटेड बिफोर अस एज रीडर फॉर फेयर स्किन्ड। इसके कैरेक्टर में इसका जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है उसमें ये बात बताई गई है कि ये फेयर स्किन्ड है, ब्यूटीफुल है और ग्रेसफुल है, यानी सुंदर के साथ साथ आकर्षक व्यक्तित्व वाला है। तारापद पजेसेस अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी तरीके से दुनिया से अलग रहने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में नहीं ध्यान देता है। Having run away from home at young age, अपनी जिंदगी में बचपन से ही ये परिवार को छोड़ करके निकल आया है क्योंकि ये दुनिया देखना चाहता है और दुनिया में घूमना चाहता है। He is person of free spirit, unbound by social norm and material position. इसे धन, दौलत, शोहरत और परिवार जैसी चीज़ों से मतलब नहीं है, ये इनसे दूर रहना चाहता है। अगला कैरेक्टर इसका तारापद कैरेक्टर embodies with wanderlust. ये ध्यान रखेंगे, राहुल सांक्रात्यायन जी का एक हिंदी में प्ले है जिसे हम अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के नाम से देखे हैं, और ये आप पढ़ सकते हैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये एक जो उपन्यास है ये राहुल सांक्रात्यायन जी का है। इसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये बात बोली है कि एक व्यक्ति जिसे घूमना अच्छा लगता है वो कभी भी एक जगह बंद के नहीं रह सकता, वो बहते पानी जैसा रहता है, इनोसेंस है, वो निर्दोष है, यर्निंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर भागने की और बाहर जीने की कोशिश करता है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो मैंने कहा हिंदी लिटरेचर में राहुल सांक्रात्यायन जी की है, व्हाट रियली वी फाइंड हिम, और ये क्वालिटी हमें तारापद में मिलती है। अगले कैरेक्टर के रूप में अन्नपूर्णा है, ये लेडीज कैरेक्टर है, तो अन्नपूर्णा जी हेड ऑफ फैमिली हैं और ये चारू शशि की माँ और मोतीलाल बाबू की वाइफ हैं। अन्नपूर्णा इज मोतीलाल बाबूज वाइफ एंड मदर ऑफ देयर 9-year-old चारू शशि। अब 9 साल की चारू शशि है, ये बात आपको भी याद रखनी है, और चारू शशि को यहाँ पर कहीं कहीं चारू के नाम से भी जाना गया है, और ये बच्चों की जो एज है ये बचपन में होती है, और इस समय बच्चा पजेसिवनेस रखता है, वो अपने माँ बाप का प्यार बांटना नहीं चाहता, यही रीजन है कि चारू शशि तारापद से थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो जाती है और उसके प्रति होस्टाइल होकर काम करती है। सी इज डिपिक्टेड एज अ केयरिंग एंड अफेक्शनेट वुमेन। यहाँ पे अन्नपूर्णा जो हैं वो बहुत ही केयरिंग और बड़े स्नेहशील लेडी हैं। इमीडिएटली ड्रॉन टू तारापद चार्म एंड ब्यूटी, ये तारापद के चार्म और ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसमें अपना बेटा देखने की कोशिश करती हैं और उसे मदरली लव डेवलप कर लेती हैं। अन्नपूर्णा सोज मदरली कंसर्न फॉर तारापद, वेटिंग टू नो अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड शोइंग देयर काइंडनेस। वो उसके परिवार की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करती हैं और उसे अपने परिवार में जोड़ने का प्रयास करती हैं, या ये कह सकते हैं उसमें वो अपना बेटा देख रही होती हैं। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट मैटरनल लव एंड अ नर्चरिंग नेचर। एक बच्चे का पालन पोषण करने की जो क्षमता माँ के अंदर होती है वो हमें अन्नपूर्णा जी के कैरेक्टर में दिखता है। अगले कैरेक्टर के तौर पर हमें चारू शशि, जो कि सेकेंड लेडी कैरेक्टर है, चारू शशि डॉटर ऑफ अन्नपूर्णा एंड मोतीलाल बाबू, ये 9 ईयर की है, ये बात आपको याद रखनी है। चारू शशि मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा की बेटी है, यंग गर्ल है जो डेवलप करती है स्ट्रॉन्ग एनिमोसिटी तुरंत टूवर्ड्स तारापद। एनिमोसिटी हॉस्टेलिटी के तौर पर है, विद्रोही है, और ये कॉम्पिटिशन जिसे कह सकते हैं ये प्रतिस्पर्धा डेवलप कर लेती है, ये तारापद को बहुत पसंद नहीं करती है और अपने माँ बाप का जो तारापद के प्रति अट्रैक्शन है उससे ये बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी नहीं कर पाती है। सी फील्स थ्रिएटेंड बाई द प्रेजेंस एंड ग्रोज जेलस अटेंशन सी रिसीव फ्रॉम हर पेरेंट्स। अब चूंकि मोतीलाल जी और मोतीलाल प्लस जो अन्नपूर्णा हैं इनके लव में तारापद का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इस तरीके से जो ये आपकी लेडी है जो चारू है, चारू इस बात से जेलस फील करने लगती है। चारू के बारे में एक बात और भी है, वो वोलेटाइल है और विलफुल चाइल्ड है, स्वैच्छिक है, स्वेच्छाचारिता है, जो वो चाहती है वो करती है, क्योंकि वो रिच फैमिली की है और इस कारण वो तारापद को थोड़ा सा परेशान भी करने की कोशिश करती है, और ये अक्सर अपने मामा पापा को अपनी विशेष अकॉर्डिंग पूरा कराने की कोशिश करती है। हर कैरेक्टर पोर्ट्रेज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चाइल्डहुड, बच्चे के चरित्र में जो हमारी
कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इमोशंस होते हैं, इनमें जेलसी है, पजेसिवनेस है और लॉन्गिंग फॉर अटेंशन है, ध्यान देने की बात है, केयर फ्री रहना होता है, ये सारी क्वालिटी हमें चारु शशि में दिखती हैं। अब हम इस पूरी स्टोरी के प्लॉट की ओर चलते हैं। तो ये स्टोरी जो हमारी है, ये प्लॉट इसका जो डेवलप किया गया है वो हमारे पोएट राइटर द्वारा एक बहुत ही शॉर्ट निटेड प्लॉट है। ये इनकाउंटर करता है बिटवीन मोतीलाल बाबू जमींदार एंड तारापद जो कि रन अवे ब्राह्मण बॉय है। इसके प्लॉट में हम ये पाते हैं कि ये जो प्लॉट है इसमें अतिथि ग्लेस्ट एक्सप्लोर हॉस्पिटैलिटी लव जेलिसी एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस हैं। यहाँ पर हम मेहमान नवाजी देखते हैं, प्यार देखते हैं, स्पर्धा और जेलसी देखते हैं और इंसान के नेचर में बदलाव देखते हैं। इट प्रोट्रेस क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, पुराने समय के जो ट्रेडिशंस हैं और वर्तमान में जो हमारी आधुनिकता है उसके बीच में प्रतिस्पर्धा को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप भी डिस्कस किया गया है। रिफ्लेक्ट ये मेन चीज़ है कि टैगोर की जो अपनी गुरुदेव की जो योग्यता है कि किस तरीके से वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हुए ह्यूमन नेचर को एक्सपोज कर देते हैं और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो है वो डायनेमिक्स ऑफ फैमिली चेंज कर देता है, इस विषय पर ये पूरा प्लॉट, ये पूरी स्टोरी आपकी डेवलप है। आगे हम देख लेते हैं थीम ऑफ स्टोरी में जब हम जाते हैं तो वंडरलस्ट और फ्रीडम, यानी जो घरों को छोड़ के हैं चले उन्हें क्या डराएंगे फासले, जो घर छोड़ चुका है, घर छोड़ देने के बाद क्या कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से संबंध विकसित कर सकता है, नहीं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप के लव को डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है या उसे छोड़ के निकला है, उसे कहीं पर कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। तारापद का कैरेक्टर इस बात को पूरी तरीके से दिखाता है। तारापद लगातार चलते रहने वाला व्यक्ति है, वो एक परिवार एक जगह को पसंद नहीं करता है, यही रीजन है कि वो अपनी फैमिली को कंफर्टेबल होम को छोड़ चुका है। तारापद आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड की ओर ज़्यादा चलता है, एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, इसी कारण उसने अपने परिवार से सोशल संबंध ब्रेक कर लिए थे और उम्मीदें बंद कर दी थी और इसके कारण वो अननोन रिफ्लेक्शंस में ह्यूमन लॉन्गिंग पर्सनल फ्रीडम और ये जो लाइफस्टाइल है व्यक्ति की नोमैडिक लाइफस्टाइल की ओर चल रहा है और नोमैडिक लाइफस्टाइल पे ही हम इसी को हम खाना बदोश जिंदगी कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति के खाने और ठिकाने का कोई परमानेंट एक स्थान नहीं होता उसे हम खाना बदोश कहते हैं। यहाँ पर दूसरी जो हमारी थीम है वो हमारी इनवी और जेलसी है। ये थीम हमारी चारु शशि और तारापद के बीच में है, जहाँ पर कि दोनों के दोनों बच्चे फैमिली में अट्रैक्शन को लेकर के अपनी चीज़ों पे आते हैं। चारु शशि जेलसी फील करती जाती है और बाद में इसी के कारण वो डिसरप्ट एटीट्यूड रखती है तारापद के प्रति और वो उसे स्टडी में प्रॉब्लम करती है, उसकी फ्लूट तोड़ देती है और कुछ अटेंशन करती है जिससे कि वो उसकी अपने पोटेंशियल मैरिज में सैबोटेज कर सके, दबा सके। लेकिन ये थीम हाईलाइट करती है डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ जेलसी और एबिलिटी टू पॉइजन रिलेशनशिप, जिससे कि व्यक्ति अपनी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के दम पर दूसरी चीज़ों को दबाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट थीम में हमारा ट्रांजिएंट नेचर है, जो ट्रांजिएंस है कनेक्शंस की, ह्यूमन रिलेशंस में जो बदलते रहते हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप थोड़े समय के लिए होते हैं। तारापद क्विकली एक परिवार के साथ आता है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और जब वो परिवार उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो वो उस संबंध को तोड़ करके फिर एक अपनी ज़िंदगी में जीने से निकल जाता है। तो इस तरीके से ज़िंदगी में मिलना और बिछड़ना भी इस स्टोरी की थीम है जो यहाँ डिस्कस की गई है। सोशल एक्सपेक्टेशंस और कन्फॉर्मिटी, ये स्टोरी टचेस करती है, जहाँ एक्सपेक्टेशन है ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स को दिखाती है और इसमें तारापद की अपनी पोटेंशियल मैचेस हैं जो यहाँ दिखाई गई हैं। वो एक तारापद के प्रति जो अपनी डॉटर के लिए वो इन्फ्लुएंस सोशल कस्टम में अपने लिए सन इन लॉ सर्च कर रहे होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर शो की गई है कि किस तरीके से वो थोड़े समय में ही ख़त्म हो जाती है और मोतीलाल बाबू को अपने ऑब्लिगेशंस पूरी करने के लिए तारापद की जो हेल्प चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती और फाइनली तारापद इन चीज़ों को छोड़ करके अपने जो लगातार जो उसकी क्वेस्ट थी दुनिया को देखने की, इस कारण वो सब कुछ रिजेक्ट कर देता है और सोशल एक्सपेक्टेशन तोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में खुद से अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है जो उसकी ज़िंदगी थी। अब हम इस स्टोरी को शॉर्ट में स्टडी करेंगे, स्टोरी की कहानी पर चलेंगे। तो यहाँ पर स्टोरी में मोतीलाल बाबू हैं जो जमींदार हैं, उनकी फैमिली है और वो होम कथालिया के जमींदार हैं, वो होम घर की ओर लौट रहे हैं इन अ बोट जो कि रिवर साइड मार्केट में है।
तारापद एक ब्राह्मण बॉय है अप्रोचेस देम, उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि वो नंदी ग्राम तक क्या उसे अपनी बोट पर ले जा सकते हैं, जो कि मोती जिसके लिए मोतीलाल एग्री कर जाते हैं। मोतीलाल जी के एग्री करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब वो फैमिली के आगे आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फैमिली की रिक्वेस्ट पर तारापद उनको ज्वाइन करता है और वो वहाँ पर जाता है, उनके साथ रहने लगता है और अपनी ग्रेस से और अपनी स्किल से सबको सम्मोहित कर लेता है, सबको अच्छे से इम्प्रेस कर लेता है। अब यहाँ पे तारापद क्या होता है, तारापद गेट्स इनवाइटेड इनटू केबिन, उसे केबिन में लाया जाता है, वेयर ही मीट्स मोतीलाल वाइफ अन्नपूर्णा एंड डॉटर चारू शशि। अन्नपूर्णा इज ड्रॉन टू तारापद, वो तारापद की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं या इम्प्रेस होती हैं एक मदरली लव को लेकर के, एंड वंडर्स अबाउट हिज वेयर अबाउट, वो उसके रेजिडेंस और उसके कार्यों के बारे में जानने की कोशिश करती हैं कि ये बच्चा है कहाँ का। वन डे आफ्टर देयर मील अन्नपूर्णा आस तारापद अबाउट हिज लाइफ, तारापद के बारे में वो एक दिन खाने के बाद पूछती हैं। तारापद बताता है कि किस तरीके से उसने छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और वो अपनी फैमिली के रिश्ते और उनके परिवार के संबंधों के साथ अब नहीं रहना चाहता। वो ये बताता है कि उसका रीज़न ये था कि वो विलेज में वंडर लस्ट रखता था, वो दुनिया देखना चाहता था और यही उसकी एक्सप्लोरेशन की जो डिज़ायर है दुनिया के साथ जाने के लिए उसे इंस्पायर करती है और वो वेरियस परफॉर्मिंग ट्रूप्स जो दुनिया घूम घूम करके परफॉर्मेंस करते हैं उनके साथ उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद तारापद का जो ये इनोसेंस है ये सबको बहुत अच्छा लगता है। तारापद की इनोसेंस और उसकी दुनिया से जो डिटैचमेंट है, इसके बावजूद भी तारापद मोतीलाल जी को थोड़ा सा इंट्रीग्यूट कर देता है, निष्कर्ष रहित कर देता है कि वो किस तरीके से तारापद से रिएक्ट करें और वो उसकी फैमिली में किस तरीके से वापस उसे लाया जा सके। तारापद एक्टिवली ज्वाइंस ऑन ऑल फैमिली कोर्स, वो सारे काम करता है, फैमिली के साथ रहता है और इसी कारण वो अन्नपूर्णा का बहुत चहेता और लविंग पर्सन या एक बॉय बन जाता है। इस तरीके से अन्नपूर्णा मदरली लव तारापद के प्रति ज्वाइन कर डेवलप करती हैं। अन्नपूर्णा ऑफर सिम और बाद में लेटर ऑन अन्नपूर्णा उसको ऑफर करती हैं कि वो किस तरीके से उनके परिवार के साथ रह सकता है एज ए चाइल्ड। चारू शशि बींग जेलस एंड बिटर टूवर्ड्स तारापद, यहाँ पर तारापद के अगेंस्ट चारू शशि होस्टाइल हो जाती है क्योंकि अब उसकी मदर उसे एक बॉय या सन जैसा केयर कर रही होती है। चारू शशि बिकम्स इंक्रीजिंगली जेलस, चारू शशि की ये जो जेलसी है वो बढ़ती जाती है और इसी के कारण वो चूंकि अटेंशन तारापद ज़्यादा पा जाता है और वो तारापद के प्रति विद्रोही हो जाती है। सी अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट हिज स्टडी, वो उसकी स्टडी ब्रेक करना चाहती है, वो उसकी फ्लूट बंसी तोड़ देती है। लॉक्स हिम इन हिज रूम, वो उसे कमरे में बंद भी कर देती है एक या दो बार जिससे तारापद थोड़ा इरिटेट हो जाए। तारापद रिमेंस फॉरगिविंग, तारापद इन सब चीज़ों को बियर कर जाता है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बियर करता है और इसके कारण वो काम और डिस्पाइट रहता है चारू शशि की इन जो बैड एक्शंस हैं, बैड रिएक्शंस हैं, इसके बावजूद भी। तारापद मोतीलाल बाबू जो होते हैं वो तारापद को एक पोटेंशियल मैच देखते हैं, ये सन इन लॉ अपना बनाना चाहते हैं और वो चारू शशि के लिए एक अच्छा मैच देख लेते हैं इस चारू शशि की मैरिज के लिए। ही सेंड्स टेलीग्राम और मैरिज प्रपोजल टू तारापद फैमिली हु हैप्पी रिसीव इट, बट ये तारापद इससे अनजान रहता है। मोतीलाल जी परिवार के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन तारापद के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होती है। अब क्या होता है, तारापद रिमेंस अनअवेयर ऑफ दिस प्रपोजल एंड फैमिली प्लान्स फॉर देयर यूनियन, मोतीलाल जी चाहते हैं कि हम फैमिली को बुला लेंगे और इस तरीके से जो तारापद की फैमिली है और उनकी फैमिली है वो रिलेटिव्स के तौर पर डेवलप हो जाएंगे। तारापद मदर और ब्रदर्स वेडिंग के प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन तारापद गायब हो चुका होता है। मोतीलाल बाबू रिवील्स हिज इंटेंशन टू मैरी चारू शशि टू तारापद, वो उसके साथ अपने बेटी का संबंध करने के लिए फैमिली को बताते हैं जिससे फैमिली सरप्राइज हो जाती है। लेकिन इसी दौरान तारापद की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है, तारापद मिसिंग हो जाते हैं। बिफोर द बॉन्ड्स ऑफ लव टू बी सोलेमनाइज्ड, अफेक्शन एंड डोमेस्टिक लाइफ क्योंकि तारापद को कम्प्लीटली इन सर्किल कर पाती इसके पहले ही रन अवे वंस अगेन, वो एक बार फिर से भाग जाता है। अब तारापद डिपार्चर लीव्स, तारापद का डिपार्चर फैमिली को बड़ा शॉक कर देता है, सैड कर देता है, अनलॉन्गिंग फॉर हिज प्रेजेंस। फैमिली के चले जाने के बाद सभी लोग चाहते थे कि तारापद वापस आ जाए, वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आता
इस स्टोरी में हमें कहीं और तारापद के बारे में जानकारी पता चलती है। द स्टोरी एंड्स विद तारापद रिटर्निंग ऑन हिज वॉन्डरिंग लाइफ। तारापद परिवार में वापस ना करके वही घूमने वाली अपनी स्थिति में जहां से ओपनिंग हुई थी स्टोरी की, तारापद एक मूविंग और ट्रेवलिंग बच्चा था, वही एंड में भी तारापद की एंट्री दिखाई जाती है और इस तरीके से लिविंग बिहाइंड द बॉन्ड सी फॉर्म्ड मोतीलाल बाबूजी के परिवार के साथ जो तारापद के रिलेशंस थे उनको वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। स्टोरी शोज हाउ क्विकली ह्यूमन रिलेशनशिप कैन चेंज एंड द कॉम्प्लेक्स लव एंड जेलसी कैन बी। प्यार और स्पर्धा या जेलसी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इस विषय पर यह स्टोरी हमें फाइनली प्ले करनी होती है और यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।